हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं शादी में। ओनली मैं और रिहान आए, जैद और आलिया आई है। जैद अकेला नहीं आया है, सब लोग आए हैं शादी में। अभी शादी चालू होने का नाम नहीं हो रहा है। 3 घंटे हो गए आके बैठे भाई, बहुत बोर हो रहे। कोई भी नहीं आया अभी तक। वो देखो, वहाँ पर बच्चे ही बैठे हैं बस, और कोई नहीं है। पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है। अभी गाइस मस्त फंक्शन में खा पी के मैं अकेला आके बैठा हूँ अभी गाड़ी में, और गाड़ी पूरी गर्म ऐसे आती ही पसीने आ रहे हैं, इतनी गर्म हो रखी है गाड़ी पूरी। तो सारे कांच आधे खोल दिए अभी मैंने। और अभी देखो हम कहाँ खड़े हैं, निर्मला सिटी के सामने। बहुत अंदर से बहुत बड़ी सिटी है ये, और बहुत खूबसूरत भी। लेकिन अंदर जाने के लिए एंट्री हमें नहीं मिल सकती, बस ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है अंदर और बहुत सारी, यही देखते बैठना है। और बिल्कुल इसी के सामने डायमंड हॉल में फंक्शन था आज का। अपना तो काम हो गया, बस खाना पीना होता है। खा पी के मैं अकेला आ गया, रिहान नहीं आ रहा है, वो दादी के साथ बैठा है जाके उसको। लेकिन भाई गाड़ी पूरी गर्म हो रखी है, अभी गाड़ी को ठंडी कैसे करे, पूरी गर्म हो रखी है। बहुत पसीने आ रहे, तो अभी व्लॉग नहीं बनाऊंगा, बहुत पसीने आ रहे। बस पहुँचते हैं, बैठूंगा पसीने। देखो रुमाल ले आया हूँ। और गाइस ये कुछ लाइट और कुछ चीज़ें हैं इसमें, जो मैंने पुणे से TPS पावर सॉल्यूशन मेरे नाना के दुकान में से वहाँ से मंगवाई है। उसमें ओहम से और लाइट से LED। ये देखो आ गए शहाबजादे, आओ भाई शहाबजादे आ गए खा पी के। तो गाइस अभी थोड़ा सा कांच धो लेते हैं, गाड़ी के कांच धो लेते हैं, बड़े गंदे हो रहे हैं। ये लड़का आया है, रियान का क्लासमेट है ये आया है। अबे ये लोग बहुत अपसेट का नहीं करेंगे, बंद कर देते हैं अपना सारा। और ये रिहान लेकर आया था फुग्गे उड़ाने का, ये लड़का रिहान का क्लासमेट। देखो दोनों लोग मस्ती मजा कर रहे हैं। तो अभी गाइस रिहान का दोस्त चला गया और आलिया आ गई है। तो अपने ये LED और ओम्स हम लोग खिसे में अपने जेब में डाल देता हूँ, क्योंकि अभी हमें निकलना है घर की तरफ। और घर को जाके, और यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, ये लाया हुआ इसने नया। तो अभी गाइस मैं आया था मेहमान के घर पर, और ये देखो यहाँ पर कितनी बड़ी टाकी है। तो अभी रिहान यहाँ पर फ्री एनर्जी का फ़ायदा उठाते हुए फुल्ली, ये देखो पंखा घूम रहा है इसका, वाह घूम रहा है तुम्हें, अच्छा है अच्छा है। देखो कितनी बड़ी टाकी है भाई ये सोलापुर में की। रिहान आलो दोनों लोग फ़ायदा उठाते हुए फ्री एनर्जी का, देखो भाई। तो गाइस मैं वाह वाह, ये आलिया सिर्फ डरती ही है, वो अपना फायदा उठा ले रहा है पूरा के पूरा। आलिया भी उड़ाना है फुगे, उड़ा इसके अंदर के बलून्स तोड़ दिया लो भाई इसने। पहला जो टूटे जाता है दूसरा जो होगा हमें। हाँ आलिया का छोटा वाला है, लेकिन रियान का थोड़ा सा बड़ा वाला है। इसका फूल आने पर बहुत ज़्यादा बलून्स निकलते हैं, अबे निकल ही नहीं रहे इसके तो बलून्स। अब रुक मैं फुलाऊंगा। तो यहाँ पर ये लोग मज़े लेते हुए, हम लोगों ने जैद को यहाँ पर छोड़ा था मेहमानों के घर पे, तो इसलिए उसको लेने आया, वो फंक्शन में नहीं आया था ना। तो अभी गाड़ी आपने, तो गाइस इधर फुगे कहाँ जा रहे हैं? देखो भाई कितनी दूर गया, वो दिख नहीं रहा है, फूट गया अभी, फूटा 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 फूटा। गाइस 2-3 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और अभी देखो कितने सारे घर वगैरह बने, बस ये अकेला घर था यहाँ पर। इतना बड़ा है दुकान। लो फाइनली आ गए महाराज। महाराज चीन टपाक डम डम